जैसे कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि गुड़ी जो है यहाँ पर उभारी थी, तो अभी निकालने वाला है। शाम हो गई है और लिपस्टिक मैंने निकाल ली है आधी। मैंने फेस वॉश भी नहीं किया था, ऐसे सो गई थी। थोड़ी देर रेस्ट की उसके बाद अभी उठी हूँ, तो मैंने सोचा चलो दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। बाहर आने से अच्छा लग रहा है, देखो यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे हैं नीचे। हाँ अच्छा, मुझे लगा मुझसे बात कर रहा है शिकार। तो चलिए फिर अभी निकालते हैं गुड़ी। ते घ्यायचं आहे ना। अद्विक बिचारा अद्विक बेचारा अद्विक अकेला ही खेल रहा है। अद्विक प्रसाद कड़वे नीम का रस। चुपना नहीं है, सबको लेना है कड़वे नीम का रस। अरे नहीं नहीं सबको लेना है। फर्स्ट गाने ना वो क्या बोलते है, कड़वे नीम का रस बनाया है और वही अभी सबको पीना है। तो वही बोल रहा है कि सभी को थोड़ी थोड़ा एक एक घूंट पीना है। मुझे तो फिर भी लेना पड़ेगा आज तो, उसने इतने प्यार से बनाया है, सबको देना पड़ेगा। अरे माही थोड़ा सा पियो, सिर्फ थोड़ा सा पीना है बस आज के दिन। अरे आज के दिन नहीं बोला है। नहीं नहीं हाँ आठ दिन पीना है बोल रहा है। नहीं पीना, मैं उल्टी कर दूंगी। नहीं नहीं एक एक घूंट पीना है सिर्फ। अरे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। मुझे पिलाते हो एक घूंट बोल के पूरे। नहीं एक घूंट नहीं नहीं नहीं, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है और कोरोना से भी बचोगे। कोरोना से बच रहे तो भी चलता, लेकिन मैं करूँ नहीं भी होंगे वो जो। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लॉस नहीं होना रहे बाबा। देखो ये कड़वे नीम का रस। तू घेतला का पहिल्यांदा सांग। मी गुला करून माझ्याकडे घे, मग तू पण घे सोबत घेऊ चीयर्स करून। नाक बंद करके पी दियो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट। तो श्रद्धा पीछे आई है, अभी बनाना है ब्रेकफास्ट। तो बच्चे बोल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए मैं बोल रही हूँ पोहा बनाती हूँ, तो बच्चे बोल रहे हैं मैगी बनाओ, तो मैगी बना लेती हूँ थोड़ी सी उनके लिए। एक्चुअली यार ये सारी चीज़ें मिल नहीं रही है, बट ये कल लेके आए थे, छोटे छोटे पैकेट्स ही मिल रहे हैं, तो ये वाले लेके आए थे छोटे वाले पैकेट्स इप्पी के। एक बड़ा पैकेट मैंने डीमार्ट से, इस बार ना डीमार्ट की शॉपिंग काफ़ी कम की है हम लोगों ने, अंकल आंटी के साथ गए थे तो आप लोगों को पता ही है। उस टाइम ना मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था कि कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसकी वजह से अभी ये इतना सा बचा है। तो ये टॉप रेमन का लाया था इस बार,
तो इस बार ना पता नहीं क्यों हम लोगों ने शॉपिंग बहुत ज्यादा कम की थी। पिछले मंथ में शॉपिंग थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो है घर पे बहुत सारा, तो इस वजह से इस बार कम की थी, तो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम हो रहा है। अभी एक बार डीमार्ट वगैरह तो बंद हो चुके हैं, बट यहाँ से ही एक दिन जाना पड़ेगा, मतलब जब बाहर जाने के लिए मिलेगा, नहीं तो इनको ही बोल दूंगी राशन पूरा मतलब उसमें लिख के दे दूंगी इनके पास और लेके आएंगे। शॉप भी बंद है यार, शॉप भी थोड़ा थोड़ा मतलब कैसे ओपन हो रही है, बंद हो रही है, थोड़ी देर के लिए ओपन हो रही है, बंद हो रही है, ऐसे हो रहा है। तो जो भी चीज़ें लानी पड़ रही है तो अभी ऐसे ही लानी पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी अभी छोटी छोटी जो भी मिल रहा है, मतलब लकीली जो भी मिल रहा है तो वो लेके आना पड़ रहा है। तो ये छोटे छोटे पैकेट मिले थे तो ये लेके आए थे कल, तो अभी इसके ही इनको बना देती हूँ। बच्चों को ना जो चाहिए वही चाहिए होता है, उनका भी सही है क्योंकि उनको आदत हो चुकी होती है, तो उनको थोड़ी ना पता है ये क्या चीज़ चल रही है। अभी छोटे बच्चे हैं, उनको थोड़ी ना पता होता है कि क्या चल रहा है, करोना का क्या है। तो इस वजह से अभी मैंने नहाया वगैरह नहीं है, पहले बना देती हूँ उनके लिए। अभी क्लीनिंग की है, क्लीनिंग में इतना ज़्यादा टाइम चला जा रहा है सुबह का, सबसे ज़्यादा मेरा घर में टाइम चला जा रहा है वो क्लीनिंग में जा रहा है अभी फिलहाल। तो क्लीनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, तो क्लीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उठते ही पहले क्लीनिंग पे लगी जा रही हूँ और उसके बाद सारे काम कर रही हूँ। तो अभी ये तो चले गया है ड्यूटी, क्योंकि इनकी ड्यूटी पता नहीं अभी ज़्यादा लग गई है, पूरे देखिए 4 आदमी थे वहाँ पे, तो दोनों को कम कर दिया है, अभी दोनों की ड्यूटी है, तो इस वजह से इनकी ड्यूटी मतलब बढ़ गई है। पहले जितनी ड्यूटी थी उससे डबल अभी इनको करनी पड़ रही है वो दोनों आदमी की, तो इसी वजह से इनकी ड्यूटी किया, तो इनका तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये घर पे रहेंगे ही नहीं, अब बहुत कम रहेंगे। चलिए मैं बना लेती हूँ पहले मैगी और उसके बाद बात करती हूँ आपसे। एक्चुअली यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ मसाला मैगी। पहले ना मैं थोड़ा सा पानी में ही वो बॉईल कर देती थी और वैसे ही मैगी बनाती थी, बच्चों को वैसे ही देती थी, क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा सा ज़्यादा मतलब तीखा वगैरह डाल दो, तो थोड़ा सा लाल मिर्च वगैरह या कुछ भी डाल दो ना, तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो इसी वजह से ना मैं मसाला मैगी नहीं बनाती थी, तो सादी मैगी बनाती थी, और वो ना बच्चे वो भी नहीं खाते थे। तो इसी वजह से मेरी कैरी से सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था मुझे कि आप ना क्या करो कि मसाला मैगी बनाया करो, तो उससे बच्चे भी चाव से खाएंगे और उनको मतलब मैगी वेस्ट नहीं जाएगी। तो इसी वजह से मैं तब से ना मसाला मैगी बना रही हूँ, तब से बच्चे अच्छे से खा रहे हैं और मतलब मैगी ना बच ही नहीं रही है उसमें से, और मुझे भी अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे भी टेस्ट अच्छी नहीं लगती है मैगी की, जैसे पानी में बॉयल करके बना देती, और मुझे लगता था कि बच्चे खा लेंगे, बट बच्चे भी वेस्ट कर देते थे, तो इसी वजह से वैसे ही मैगी बची जाती थी, थोड़े से 2-4 स्पून खाए कि बच्चे ऐसे ही डाल देते थे। तो इसी वजह से मैं तब से मसाला मैगी बना रही हूँ, और थोड़ा सा मैं मतलब इसी तरह से डालती हूँ, सिंपल सी रेसिपी यार, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, मतलब सभी को आती होंगी। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा तेल डालती हूँ कढ़ाई में, उसमें जीरा डाल देती हूँ, और उसमें ना थोड़ा सा प्याज और टोमेटो ऐड कर देती हूँ, और अगर आपको लाल मिर्च पसंद है तो लाल मिर्च ऐड कर सकते हो, और हरी मिर्च पसंद है तो हरी मिर्च ऐड कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा जो ढक के रख देती हूँ, मतलब जो हमारा टोमेटो है वो गल जाए इसलिए, और उसके बाद मैं उसमें पानी ऐड करती हूँ टोमेटो गल जाने के बाद, और पानी भी बॉयल होने के लिए छोड़ देती हूँ। पानी जब बॉयल हो जाए उसके बाद मैं उसमें मैगी डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, सभी को आती होगी, सभी बनाते ही होंगे। आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर बताना मुझे, मसाला मैगी ऐसे ही बनाते हो या कुछ और ऐड करते हो। एक्चुअली ना मुझे सब्जियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है उसमें ऐड करना, बट अभी सब्जियाँ ही नहीं मिल रही है, जैसे फ्लावर हो गया और बाकी के, मतलब फ्लावर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे भी फ्लावर वगैरह की सब्ज़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट है फ्लावर की सब्ज़ी, बट अभी फ्लावर वगैरह मतलब सब्जियाँ बहुत कम मिल रही है ना, तो इसी वजह से फ्रिज में कोई भी सब्ज़ी नहीं बची है, तो कुछ भी नहीं डाल सकते और बच्चों को पसंद भी नहीं है, तो इसी वजह से मैंने सिंपल सी टोमेटो और प्याज डाल के ही मैगी बनाई है। नहीं तो अगर मैं खुद के लिए बनाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ डालती हूँ और उसमें ये करती हूँ, मतलब वैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर श्रद्धा भी थी तो वो भी हेल्प कर रही थी, तो इसी तरह से उसको खाना नहीं था एक्चुअली, हम लोग ने सोचा है कि डाइट करेंगे, बट मेरी तो डाइट नहीं होगी, मेरा तो ऐसा ही होता है कि कभी मतलब जब सोचती हूँ ना तब होती है मेरी डाइट, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं दिल में ठान लेती हूँ कि नहीं करनी है मुझे डाइट, तो नहीं मुझे करनी ही है, तब मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, बट जब अभी दिल में नहीं ठानी है ना तो कुछ भी खा ले रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा दिल पे लेना पड़ेगा, बट इम्यूनिटी की वजह से अभी थोड़ा सा वो कर रही हूँ, टाल रही हूँ इन सारी चीज़ों को, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो जान दो जो आया वो खा लेते हैं, नहीं तो डाइट पे अगर ध्यान दूंगी तो थोड़ा सा इम्यूनिटी का डर रहता है, तो इसी वजह से मैं अभी जो आ रहा है वो खा ले रही हूँ।
वर्कआउट करने के बाद ही वेट बढ़ाने के नुस्खे है। अरे अभी अभी हम लोगों ने वर्कआउट किया और नीचे आए और सब लोगों का मन कर रहा था पकोड़े खाने का, तो पकोड़े बना रहे और पूरा वर्कआउट वेस्ट आज का है ना। और हाँ, किस किस को वर्कआउट वीडियो देखना है जरूर कमेंट करके बताना मुझे। हम लोग अगले, मतलब अभी हम लोगों ने सोचा है कि 21 दिन 21 डेज जो ये है, क्या बोलते हैं, लॉकडाउन है, उसमें वर्कआउट किया जाए घर पे, क्योंकि जिम तो जा नहीं रहे हैं, तो इसी वजह से अभी घर पे ही किया जाए। तो घर पे हम लोग टेरिस पे, या मतलब ये वाली जो मेरी गैलरी है इधर की, हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं वर्कआउट। तो रश्मि भी आ रही है, रश्मि को आप जानते ही होंगे, यहाँ पे है, तो रश्मि हमारा वर्कआउट ले रही है आजकल, मतलब आज से ही स्टार्ट किया है हमने। तो एक्चुअली हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि ये जिम में ट्रेनर है, तो इसी वजह से इसको सारा वर्कआउट आता है, और उसका कराटे भी होता है, तो कराटे भी कराटे चा है ना, तुझं कराटे झालेला आहे ना, हा मार्शल आर्ट हो चुका है इसका, तो इसी वजह से उसको सारा कुछ आता है। योगा में भी योगा भी आता है उसे, तो ये अभी वर्कआउट ले रही है हमारा। वही बोल रही थी कि अभी टाइम पास नहीं हो रहा है, तो दो टाइम वर्कआउट किया करेंगे, तो सुबह भी थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया करेंगे और शाम को भी करेंगे, मतलब शाम को जुम्बा वगैरह करेंगे। तो बोल रही थी कि आ जाया करूँगी मैं, वो भी टाइम पास, मतलब उसका भी टाइम पास नहीं हो रहा है, तो वो बोल रही थी कि यहाँ पर ही है, मतलब घर के पास ही रहती है मेरे, तो इसी वजह से वो बोल रही थी कि मैं आ जाया करूँगी और आपका वर्कआउट ले लिया करूँगी। तो ऐसे हम लोग आज से स्टार्ट किया है हम लोगों ने, बट आज का वर्कआउट पूरा वेस्ट गया है, क्योंकि आज पकौड़े खा रहे हैं हम लोग। कल से जो वर्कआउट होगा तो वो अच्छे से होगा, डाइट वाइट भी करूँगी, डाइट नहीं करूँगी इतना, बट जो भी ऑयली चीज़ें हैं वो बंद करूँगी, और जो भी थोड़ा सा स्पाइसी वगैरह ऑयली वगैरह ये बंद कर दूँगी। थोड़ा सा अजीब सी लग रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे नहाना है, क्योंकि वर्कआउट किया है, वैसे ही नीचे आए हम लोग, वैसे इन लोगों ने डिमांड कर दी पकौड़े खाने की, तो हम लोगों ने ये उसने मुझे थोड़ा सा काट वाट के दिया थोड़ा, और यहाँ पर घोल बना लिया मैंने, और मैं ट्राई कर रही हूँ पकौड़े। तो चलिए, ये बन जाने के बाद बात करती हूँ आपसे, पहले सब लोगों को दे देती हूँ और उसके बाद बात करती हूँ आप लोगों से। आवाज कम करो। सो गाइस, खा लिया है पकौड़े वगैरह, और अभी तो ज़्यादा भूख भी नहीं है। सोच रही हूँ खाने के लिए क्या बनाऊँ अब, तो सुबह की सब्जी है, भिंडी की सब्जी बनाई थी, सुबह की सब्जी है, और थोड़ी सी रोटियाँ भी है, रोटियाँ बना दूँगी, क्योंकि अभी सभी लोगों ने खाया है, तो अभी इतना ज़्यादा भूख नहीं है किसी को, तो मैं सोच रही हूँ कि जो ये बोलेंगे वो कर दूँगी, बना दूँगी उनके लिए। चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दी, 9 बज रहे हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर एंड लव यू ऑल।